उत्तराखंड में खरीफ सत्र 2023-24 के लिए धान की खरीद की नीति जारी की गई। 8,30,000 मैट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। कॉमन श्रेणी के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए श्रेणी के धान के लिए 2203 रुपये प्रति क्विंटल है। खाद्य अपर सचिव रुचि मोहन रयाल ने खाद्य आयुक्त उद्यम सिंह नगर, हरिद्वार, चंपावत, देहरादून, पौड़ी और नैनीताल के जिलाधिकारियों के साथ ही क्रय एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों को धान खरीद के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह खरीद अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक यानी कुल 3 माह की अवधि में होगी। धान की विधिवत खरीद 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुकी है। धान खरीद के लिए कुल 286 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 239 कुमाऊं मंडल, 47 गढ़वाल मंडल में है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। वर्तमान में तो गेहूँ धान खरीद जो है इस समय प्रॉपर व्यवस्थित रूप से चल रही है और कहीं भी ऐसी कोई किसान द्वारा भी कोई विवाद उत्पन्न नहीं किया गया और उनके शांतिपूर्ण तरीके से धान तोला जा रहा है। आरती का है, कच्चे आरती की खरीद खटीमा से लेकर जसपुर तक कुमाऊँ के सारे उसमें प्रगति पर है और कोई भी कच्चे आरती से संबंधित कोई भी किसान को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। इसका जो लक्ष्य है वो है कच्चे आरती प्लस क्रय केंद्र का मिला के टोटल जो गवर्नमेंट का लक्ष्य पूरा दिया गया है वो 8.3 जो 3 लाख मीट्रिक टन है।